बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ रोमांटिक एज। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपका फर्स्ट लेक्चर है द रोमांटिक एज, जो स्टार्ट हुई थी 1798 में और इसकी एंड हुई थी 1830 में। रोमांटिक एज, रोमांटिसिज्म आल्सो नोन एज द रोमांटिक इरा, वाज एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी, म्यूजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन यूरोप टूवर्ड्स एंड ऑफ द 18th सेंचुरी एंड इन मोस्ट एरियाज वाज एट इट्स पीक इन द अप्रोक्सीमेट पीरियड फ्राम 1800 टू 1850। रोमांटिसिज्म वाज करेक्टराइज्ड बाय इट्स एम्फसाइज ऑन इमोशंस एंड इंडिविजुअलिज्म। This era attached great importance to the power of imagination. Writers in this era tend to regard themselves as the most interesting subject for literary creation. Interest in urban life was replaced by an interest in nature. The romantic writers responded strongly to the impact of new forces, particularly the French Revolution and its promise of liberty, equality and fraternity. The humanitarianism that had been developing during the 18th century was taken up enthusiastically by the romantic writers. The romantic age is also known as the age of revolution. Exactly in this short time, three revolutions took place. Romantic Age, रोमांटिसिज्म को रोमांटिक इरा भी कहा जाता है। ये एक फ़नी, अदबी, मौसीकी और फिक्री तफरी थी जिसकी इब्तदा 18th सेंचुरी के अख्ताम यूरोप में हुई थी। बेशतर इलाकों में ये 1800 से 1850 के करीब करीब ये अरसे पर अपने अरूज पर थी। जज्बात और इनफरादियत ये दोनों खसूसियात रखती थी। इस दौर में लिखने वाले अदबी तहलीक खुद को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखने वाले मौजू करार देते थे। यूरोपियन ज़िंदगी में इंटरेस्ट और जो अर्बन लाइफ में इंटरेस्ट था, इसको चेंज कर दिया था नेचर इंटरेस्ट में। रोमांटिक राइटर्स, रोमांटिक अदीबों ने नई कौमों के असरात, ख़ास तौर पर फ्रांसिस इनकलाब और इससे अहद की लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीटर्निटी यानी मसावात और हुत के लिए सख्त जवाब दिया। 18th सेंचुरी के दौरान जो ह्यूमैनिटेरियनिज्म तैयार कर रहा था, रोमांटिक मुसन्निफीन के जोश व खरोश से इसको उठाया गया। रोमानवी दौर को रेवोल्यूशन एज भी कहा जाता है। बिल्कुल इसी वक्त में तीन इनकलाब रूनुमा हुए, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये थ्री इनकलाब, थ्री रेवोल्यूशन रूनुमा हुए थे उस दौर में। फर्स्ट, द अमेरिकन रेवोल्यूशन। द वॉर ब्रोक आउट इन 1775 बिकॉज द 13 ब्रिटिश कॉलोनीज आस्क्ड फॉर ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ऑन 4 जुलाई द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस अनाउंस द सेपरेशन ऑफ द कॉलोनीज। द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द USA वॉज जॉर्ज वाशिंगटन। द अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमरीकी इनकलाब। जंग 1775 में इसलिए शुरू हुई कि 13 बरतानवी कानून ज़्यादा से ज़्यादा इंतजामी और माशी आज़ादी तलब करें, जो कि 4 जुलाई से ऐलान आज़ादी के इलाक होने का ऐलान किया। अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन थे। सेकेंड, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट इन 1789। इट वॉज ग्रेट रेवोल्यूशन। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन सपोर्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीटर्निटी, बट द रेवोल्यूशन बिकम ब्लडी एंड वायलेंट। एट द एंड फ्रांस बिकम पावरफुल एंड हिज गोल टू कंकर ऑल यूरोप। द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1889 में इनकलाब बरपा हुआ। ये बहुत बड़ा इनकलाब था। पहले हिस्से में इनकलाब आज़ादी के नज़रियात, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन सपोर्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीटर्निटी यानी पहले हिस्से में आज़ादी, मसावात और हुवत के नज़रियात तायद किए, लेकिन इनकलाबी हून और वायलेंट था। आखिर में ये फ्रांसिस ताकतवर बन गया और इसका मकसद पूरे यूरोप को फतह करना था और इसने उसको फतह कर लिया। थर्ड, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।
इट टुक प्लेस इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th century. देयर आर न्यू टेक्निक एंड द प्रोडक्शन एंड द कम्युनिकेशन इंक्रीज्ड द वे ऑफ वर्क चेंज्ड. इट बिकेम सिस्टमैटिक एंड रिपीटेटिव. पीपल्स मूव टू सिटीज टू लुक फॉर अ जॉब. द रोमेंटिक कैन बी सीन एज द इरा ऑफ पोइट्री. द रोमेंटिक पीरियड इंक्लूड्स द वर्क ऑफ टू जनरेशन ऑफ पोइट्स. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमेंटिक पोइट्स इंक्लूडेड. संधि इनकलाब ये 18th century के दूसरे नसफ में हुआ. इसमें नई तरह की पैदावार, मवासलात, सनतकार सब तब्दील कर दिया गया था और इसमें सब कुछ चेंज कर दिया. लोगों ने मुलाजमत के लिए शहरों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया. रोमानवी के इस दौर को रोमांटिक एज और रोमांटिक पोइटिक भी कहा जाता है. और रोमांटिक दौर में शायरों ने काम भी इंक्लूड थे. पहले जनरेशन और रोमांटिक पोइट शामिल थे इसमें. फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से रोमांटिक पोइट शामिल थे? विलियम वर्ड्सवर्थ. इनका टाइम ड्यूरेशन था 1770 टू 1850. द डैफोडिल्स एस टू कॉलरिज 1772 टू 1834. द राइम ऑफ द एंशियंट मैन रॉबर्ट साउथी 1774 टू 1843. पोइट हिस्ट्री बायोग्राफर्स एसिस्ट वार नोन एज द लेक पोइट्स बिकॉज दे लाइव टूगेदर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स इन इंग्लैंड. दे एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एंड इट्स रिलेशन विद नेचर. और ये सारे पोइट्स लेक्स पोइट के नाम से जाने जाते थे क्योंकि ये इंग्लैंड में लेक पोइट. इन सब ने खुद की अहमियत और इसका नेचर के साथ क्या रिलेशन है इसको एम्फसाइज किया था इन फर्स्ट जनरेशन में रोमांटिक पोइट ने. द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स लॉर्ड बायरन जिसका टाइम ड्यूरेशन था 1788 टू 1824. चार्ल्स ऑफ थर्ड पी बी शैली 1792 टू 1822. ऑफ द वेस्ट विंड जॉन कीट्स 1795 टू 1821. ऑफ द नाइटिंगेल. दे ऑल डाइड वेरी यंग एज एंड फार फ्रॉम होम. दे डिजायर्स अ बेटर वर्ल्ड ऑफ जस्टिस फ्रीडम एंड ब्यूटी. सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट. ये सारे पोइट छोटी उम्र में इनकी डेथ हो गई थी और इन सब के घर से काफ़ी दूर डेथ हुई. ये सब जस्टिस फ्रीडम और ब्यूटी के ख्वाहिशमंद थे.